नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ने के बाद उनकी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के साथ ही बिहार की सियासत में बदलाव की ओर बढ़ रही है। उनके नीतीश का साथ छोड़ते ही जदयू अपनी सहयोगी तेजस्वी यादव को लेकर अपनी नीति में फेरबदल करती दिख रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी के बयानों से ये साफ झलक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसके साथ ही भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत भी हुई। यह लॉन्चिंग भारतीय रिजर्व बैंक से गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन की ओर से की गई है। नीतीश कुमार से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को घोषणा की कि वे चंपारण के भीती हरवा आश्रम से बिहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बातों पर उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। मौजूदा समय में विरोधी पक्ष में दर्जन भर पीएम उम्मीदवार हैं, इनमें से कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहना जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चेन्नई जा रही 1-2-6-1-2 गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। बम की झूठी सूचना देने वाले एक डेंटिस्ट सहित 6 आरोपियों को सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर गिरफ्तार किया है। इससे पहले बम मिलने की सूचना मिलते ही करीब 4 घंटे तक धौलापुर रेलवे स्टेशन पर सर्चिंग अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से ट्रेन के हर कोच की जांच भी की गई, लेकिन एजेंसियों को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद रात करीब 10 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। बेटी की शादी में पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन को एक बार फिर से जेल जाना पड़ रहा है। मंगलवार को उनकी पैरोल का आखिरी दिन है। जेल जाने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिहाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है और कहा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में उनकी रिहाई में कोई बाधा नहीं आएगी। इस संबंध में उनकी बात मुख्यमंत्री से भी हुई है, उम्मीद है कि वह मुकरेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने कहा है कि 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में दोषी राज्य की नीति के तहत समय से पूर्व रिहाई के लिए पात्र नहीं है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि गोधरा में ट्रेन जलाने के आरोपियों के लिए वह सजा पर बहस के दौरान फांसी की सजा की मांग करेंगे। इस मामले में इन दोषियों को हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूर की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में आरोपियों की जमानत सुनवाई पर 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। महिला सिपाही का पवन सिंह को अपनी आप बीती सुनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा गया है कि एक महिला सिपाही खुद स्टेज पर चढ़कर पवन सिंह से कुछ शिकायत करती है। शिकायत मिलने के बाद पवन सिंह खुद स्टेज से लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है, कार्यक्रम में एंजॉय करने आए हैं, किसी को परेशान करने नहीं। साथ ही पवन सिंह ने भी महिला सिपाही से माफी मांगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक धरोहर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास और पूर्ववर्ती वाइस डीगल लॉज में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित टिकट दरों में कटौती की गई है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कोरोना काल की संपत्ति के बाद म्यूजियम एरिया के टिकट में बढ़ोतरी की थी। उसकी समीक्षा करने के बाद भारतीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए टिकट की दरों में कमी करने का निर्णय लिया गया है और इसे आधा कर दिया गया है। राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में सीटी, बीएड व शिक्षा शास्त्री के संयुक्त प्रवेश के लिए आवेदन सोमवार से शुरू हो गया। परीक्षा कराने की जिम्मेवारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को दी गई है। प्रोफेसर मेहता ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन के पहले दिन शाम 5 बजे तक 4,879 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन करवा लिया है। भारतीय टीम ने अपने ग्रुप मैच में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड को हराया और 6 अंक अर्जित किए। वहीं इंग्लैंड से टीम इंडिया के एक रोमांचक मुकाबले में हार गई। इसकी वजह से भारतीय टीम ग्रुप 2 में दूसरे पायदान पर रही। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला महिला क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया से होने की उम्मीद है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक अहम कदम उठाया है। ट्राई ने बिल्डिंग की डिजाइन में डिजिटल कनेक्टिविटी रखने के लिए सुझाव जारी किया है। ट्राई ने पानी, बिजली आपूर्ति जैसी इमारतों में डिजिटल इंफ्रा को शामिल करने की सिफारिश भी की है। ट्राई का मानना है कि जिस तरह इमारतों में बिजली और पानी की सुविधा होती है, उसी तरह डिजिटल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ट्राई का मानना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रा को सक्षम बनाने के लिए भवन बाय लॉ राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा के हर्षवर्धन वाजपेयी के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा है कि भारत में कोई भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वोट नहीं देता है।
याचिका में हर्ष वाजपेयी के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। कहा गया था कि उन्होंने अपनी सही शैक्षिक योग्यता का खुलासा नहीं किया था। उत्तर भारत में मौसम का पारा तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। कई लोगों का मानना है कि अब सर्दी पूरी तरह से चली गई है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय से होकर गुजर रहा है, जबकि एक अन्य ताजा पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी के आसपास पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के आने से मौसम में अचानक गर्मी बढ़ गई है। संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति के वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने पर 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति से कांग्रेस और आपके 12 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच करने का निर्देश दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को सोमवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वो परमेश्वरन लायर की जगह लेंगे। बता दें कि परमेश्वरन लायर को विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। भारत और इराक ने सोमवार को बगदाद में विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने किया, जबकि इराक का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के राजनीतिक योजना मामलों के अवर सचिव डॉक्टर हिसाम अल आलवी ने किया है। सचिव ने इराक के उप प्रधानमंत्री, तेल मंत्री हयान अब्दुल गनी, व्यापार मंत्री अतीर दाऊद सलमान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी और सुन्नी अफाक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिशान अल खजराजी से मुलाकात कर पारस्परिक हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। भारत के घरेलू एविएशन सेक्टर में कोरोना काल के बाद से बुरा दौर खत्म होता नजर आ रहा है। फरवरी के महीने में देश में एयर ट्रेवल करने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह इजाफा इसलिए खास है क्योंकि एविएशन सेक्टर में फरवरी को सबसे कम ट्रेवल वाला पीरियड माना जाता है, लेकिन कॉरपोरेट ट्रेवल, G20 मीटिंग और एरो इंडिया के कारण इस महीने तेजी से घरेलू पैसेंजर्स की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को उपराज्यपाल से सुझाव देते हुए धार्मिक स्थलों को ढहाने के बजाय उनके डिजाइन में बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अलग अलग आवासीय प्रोजेक्ट सहित अन्य डेवलपमेंट कार्यों के लिए लोगों की आस्था से जुड़े मंदिरों, मजारों व गुरुद्वारों को न तोड़ा जाए। इससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी और शहर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दिल्ली पुलिस खुद अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र कर रही है। झारखंड के गोड्डा में बने अडानी थर्मल पावर प्लांट की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। पूछा जा रहा है कि क्या किसी बिजनेस ग्रुप के फायदे के लिए कोयले से बिजली बनाने वाला नया प्लांट लगाना जरूरी है, और वो भी तब जब थर्मल प्लांट से बनी बिजली बांग्लादेश को बेची जानी हो। इस प्लांट के लिए अडानी पावर लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच औपचारिक करार भी हुआ है। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अपने बांग्लादेश दौरे में की थी। भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत ये पावर प्लांट बनाया गया है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत HLFT 42 स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना है, जिसकी टेल पर हनुमान जी की तस्वीर बनी है और लिखा है तूफान आने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एनी पायलट को नई और विकसित हो चुकी वॉर टेक्निक सिखा देगा। एरो इंडिया 2023 के दौरान सबकी नजर HLFT 42 की काबिलियत और इसकी टेल पर दिख रहे हनुमान जी पर रही थी। यूरोपीय संघ ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भरोसा जताया और कहा है कि यहां से ही रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकलने की उम्मीद है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो स्टूटो ने कहा है कि उन्हें G20 की भारतीय अध्यक्षता से बहुत उम्मीदें हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिसका यूरोपीय संघ समर्थन करता है। आयकर विभाग ने मंगलवार को यूफ्लेक्स लिमिटेड के 64 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। इस बीच NSE पर यूफ्लेक्स के शेयर 473 रुपए पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 486.10 रुपए से लगभग 2.50% कम है। बता दें कि यूफ्लेक्स 1985 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सॉल्यूशन कंपनी है। इसका मुख्यालय नोएडा में, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग ने ये छापेमारी इसलिए किए क्योंकि कंपनी पर फर्जी बिल जारी करने के आरोप लगे थे। हालांकि अभी तक इसको लेकर आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित भारत के 9 राज्य दुनिया के उन शीर्ष 50 क्षेत्रों में शामिल है जहां जलवायु परिवर्तन के खतरों के कारण मानव निर्मित पर्यावरण को नुकसान का खतरा है। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसमें बिहार 22वें, उत्तर प्रदेश 25वें, असम 28वें, राजस्थान 32वें, तमिलनाडु 36वें, महाराष्ट्र 38वें, गुजरात 44वें, वहीं पंजाब 48वें और केरल 50वें स्थान पर है। सूची में चीन और अमेरिका के सबसे ज्यादा क्षेत्र शामिल हैं। शेष 50 में आधे से अधिक प्रांत चीन में ही हैं। हेट स्पीच को लेकर देश में बीते कई समय से बहस छिड़ी हुई है। कई राजनेताओं पर हेट स्पीच को लेकर मामले भी दर्ज किए गए हैं। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभद्र भाषा के मामलों में कार्रवाई की मांग
वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नफरत अभी धर्मों की दुश्मन है और ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी कहा जाता है वो अभद्र भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल हुए एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के भारतीय बचाव दलों के साथ बातचीत की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वह एक आश्वासन मिलता है कि भारत की टीमें आ चुकी हैं और अब हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जहां एक माँ माथे पर चूमकर आपको आशीर्वाद भी दे रही थी। इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना वाले देश सऊदी अरब में एक नया मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के हुए हैं। यह प्रोजेक्ट सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ये एक प्रस्तावित शहर है जिसका मुख्य आकर्षण द मुकाब नामक एक स्ट्रक्चर से होगा। सोशल मीडिया पर मुस्लिम इसे काबा जैसी संरचना बता रहे हैं और सऊदी अरब के सरकार के प्रति गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। टेस्टिंग के तौर पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की कार्यवाही आज से ट्रांसक्रिप्ट की जाएगी और बहस करने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले समीक्षा के लिए दी जाएगी। यह एक या दो दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहली बार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के महत्व को बताते हुए भारत की आबादी को लेकर ट्वीट किया। गिरिराज सिंह ने देश की जनसंख्या के आंकड़े को शेयर कर लिखा है कि समान नागरिक संहिता कई गंभीर मुद्दों के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण में बेहद मदद करेगी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तिगारिया ने रविवार को भारत की बढ़ती आबादी की तुलना टिक टिक करते टाइम बॉम्ब से की है। उन्होंने इसके विस्फोट और प्रभाव को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत पर जोर भी दिया है। भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने प्रीमियम राइड शेयरिंग सेवाओं के लिए भारत में 25,000 इलेक्ट्रिक सेडान टाटा एक्सप्रेस टीईवी को डिलीवर करने के लिए उबर के साथ एक समझौता किया है। यह एमओयू देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोर व्हीलर के लिए सबसे बड़ा ईवी फ्लीट ऑर्डर है। एयर इंडिया के एक विमान को लंदन डाइवर्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लंदन डाइवर्ट करना पड़ा है। फ्लाइट का नंबर A102 बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि संबंधित यात्री को विमान से उतारने के बाद विमान लंदन से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। हालांकि स्थिति के बारे में विवरण तुरंत पता नहीं चल सका है। विमान के पायलट के अनुसार दिल्ली में उतरने से पहले उड़ान में कम से कम 6 से 7 घंटे की देरी होने की संभावना है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय चौधरी, एमडी शाकिर हुसैन, रवि शंकर, अनवर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, महमूद अंसारी, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, एमडी नौशाद रजा और अनसुप्रिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए G20 की अध्यक्षता कितनी फायदेमंद रहेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।